बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम रिसर्च की तीन टाइप्स के ऊपर बात करने वाले हैं और मुख्तसर बात करेंगे और बहुत ही सिंपल अंदाज में बात करेंगे। और वो रिसर्च की टाइप्स जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं वो हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या है। बेसिक रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर का मकसद सिर्फ नॉलेज में इजाफा करना होता है। अगर एज ए रिसर्चर आपका मकसद ये है कि आप अपने नॉलेज बेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं, आपके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, उसमें एडिशन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की रिसर्च बेसिक रिसर्च कहलाएगी। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है और इसका एक और नाम प्योर रिसर्च भी है। इस तरह की रिसर्च में एज ए रिसर्चर आपका मकसद प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन तक पहुंचना नहीं होता, जस्ट इंफॉर्मेशन गेन करना होता है, जस्ट नॉलेज में इजाफा करना होता है और अपनी मालूमात को बढ़ाना होता है। मसलन आप ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज में क्या काम हुआ है, तो इस हवाले से जो आप मालूमात ले रहे हैं और जो नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं और जो बढ़ा रहे हैं अपनी मालूमात को, ये बेसिक रिसर्च कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर क्या काम हुआ है, आप ये देखना चाहते हैं कि मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में इंसान की बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर किस तरह की बात की है। तो ये जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप अपनी मालूमात को बढ़ा रहे हैं और आपका मकसद सिर्फ इतना है कि आपका नॉलेज बढ़ जाए, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, आप मसले के हल की तरफ नहीं जा रहे, आप सिर्फ अपने नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की रिसर्च बेसिक रिसर्च कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप मिर्ज़ा गालिब की गज़लों में इंसानी नफ्सियात के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी गज़लों में इंसान की नफ्सियात के ऊपर किस तरह की बात की है, तो ये रिसर्च बेसिक रिसर्च कहलाएगी। इसमें एडिशन ऑफ नॉलेज आप कर रहे हैं, इसमें अपने नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए रिसर्चर, तो ये तमाम रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में एप्लीकेशन की बात होती है। अप्लाइड रिसर्च में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। वो जो बेसिक रिसर्च से आपने नॉलेज गेन किया था वो आपको एक रास्ता देता है कि आप मसाइल के हल की तरफ जाएं। और जब आप मसाइल को हल करने की तरफ जाते हैं और आपकी इंटेंशन भी यही होती है, आपकी सोच भी यही होती है, तो ये अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। मसलन आप ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, स्टूडेंट्स को अटेंडेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आप टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स देखना चाह रहे हैं और उसकी सोल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, तो इस तरह की रिसर्च अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। तो एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें एक रिसर्चर, जिसमें एक प्रैक्टिशनर लोकल सेटिंग्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनका फौरी हल चाहता है। वो चाहता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रहे हैं उसका फौरी हल निकाला जाए। और प्रैक्टिशनर्स अपनी अपनी फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह की रिसर्च जिसमें एक प्रैक्टिशनर अपने प्रॉब्लम्स को फौरी हल करने के लिए कोशिश करता है और लोकल लेवल पर लोकल सेटिंग्स में उसकी सोल्यूशन चाहता है, ऐसी रिसर्च एक्शन रिसर्च कहलाती है। और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इसका एक और नाम क्लासरूम रिसर्च भी है। प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं कि कोई भी फर्द किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में जो काम कर रहा है, जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ, उसको प्रैक्टिशनर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग एंड लर्निंग फील्ड में एक टीचर प्रैक्टिशनर है, वो वहाँ पढ़ा रहा है। इसी तरह से हॉस्पिटल में डॉक्टर एक प्रैक्टिशनर है, वो वहाँ पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पेशेंट्स को देख रहा है। और लॉ की फील्ड में लॉयर एक प्रैक्टिशनर है, इंजीनियर एक प्रैक्टिशनर है। तो तमाम लोग जो अपनी अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स हैं। और इन तमाम लोगों को अपनी फील्ड में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का फौरी हल निकाला जाए और इसको सॉल्व किया जाए लोकल लेवल पर ही और लोकल सेटिंग्स में ही,
ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें और अपनी कंडीशंस को बेहतर कर पाएँ। तो ऐसी रिसर्च जो लोकल सेटिंग्स में लोकल लेवल पे की जाए और उसका मकसद ये हो कि फौरी हल चाहिए आपको उन मसाइल का, तो ऐसी रिसर्च एक्शन रिसर्च कहलाती है।